हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम है और आज छुट्टी का भी दिन है, तो मैं नाश्ते में क्या बनाई हूँ तो मैं वो दिखाऊंगी। तो चलिए बने रहिए और हम दिखाते हैं सबसे पहले नाश्ते में क्या बनाया है। ये हमारा है सांभर, हमने आज इडली बनाया है। और ये हमारा सांभर है जिसमें हमारी ये दो तीन सब्जी डाली, ज़्यादा कुछ नहीं डाली, लेकिन ये सब्जी हमारी सारी ना बहुत अच्छे से मतलब दिख रही है और पक भी गई है। और इधर हमारा ये इडली है, ये तो बनडा है, इसको तो नहीं दिखाते हैं। इसके साथ हमारी ये मूंगफली और इसमें हमने नारियल, चना दाल सबको मिक्स करके ना इसका चटनी हमने बनाया है। अभी हमने इसको बना के निकाल लिया और फिर से इसमें ना डाल रहे हैं। थोड़ा सा चिपका हुआ है लेकिन उसे कुछ दिक्कत नहीं होता, वो फिर ना आराम से निकल जाता है। उसमें पूरा निकालने से थोड़ा और ठंडा कर देना, वो मतलब वो अंदर 20 मिनट ऐसे ही रहने देते तो शायद सब ना निकल जाता है, शायद नहीं निकल जाता है। और अभी हम तुरंत मतलब खोल के और तुरंत निकाल दिए तो इस वजह से ये थोड़ा थोड़ा चिपक गया है इसमें। और उसको हमने निकाल के रख दिया और एक बार और सोचे बना लेते हैं और बाकी बात का बना देंगे। तो हम सोचे दिखा भी देते हैं कि हम बनाते कैसे हैं इडली। और ये हमारा गया आपने इसमें सेट हो गया और इस पर हम लगा देंगे ढक्कन और इसे 5 से 10 मिनट तक वेट करेंगे, होने का फिर हो जाएगा ये हमारा। हम निकालते हैं और देते हैं इसको, हम निकालते हैं देने के लिए। अभी हमने निकाल लिया अपना इडली और ले चल के देते हैं। और आप सब बताइएगा कि देख के कैसा लग रहा है, पर बहुत अच्छा बना है और मैं टेस्ट करके भी दिखाऊंगी। अभी हमने दे दिया और अपने लिए भी ले ली हूँ थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए कि कैसा लग रहा है, पर बहुत अच्छा बना है। क्योंकि सुबह में ना बाबू के लंच में मैं यही दे थी, बाबू को बहुत पसंद आया भी था, तो मैं भी टेस्ट करती हूँ। बहुत ज़्यादा ही अच्छा बना है, हमारी इडली इतनी सॉफ्ट है ना कि मुंह में से घुल जा रही है, ऐसा लग नहीं रहा कि हम इडली खा रहे हैं, इतनी अच्छी बनी हुई है। आई होप हमारी ये छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब तक के लिए बाय बाय।